आपका आचूर्य स्वागत है। और बहुत सारी हिंदी मूवीज में हम लोगों ने टाटा बिरला का नाम सुना है, लेकिन आज एक वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें बिरला का नाम आया है। क्या टाइटल बताएंगे? मौज़ा टाइटल है, मैशेबल गेट क्रैशेस यश बिरलास हाउस। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोगों के चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्ते मैशेबल, यू आर वेरी वेलकम टू माय हम्बल होम, प्लीज कम। ना अच्छा वेलकम किया। प्लीज कम विथ मी टू दिस वेरी स्पेशल प्लेस आई वांट टू टेक यू टू। दिस इज I think a very special room. ये घर करीब 100 साल पुराना है। मेरे परदादा जी ने, रामेश्वर दास जी बिरला ने बनाया था। जो इसका जो महत्व है, वहाँ my great grandfather was very much involved in the freedom movement of India. Politicians के साथ उस time गांधी जी के साथ meetings चलते थे ये कमरे में, और उनके discussions होते थे यहाँ freedom movement के बारे में। यहाँ हम लोग सत्संग भी करते हैं, दिवाली की पूजा भी करते हैं। द वाइब्रेशंस आर सच दैट आई फील वेरी एलिवेटेड व्हेन आई कम हियर। सो इट्स मोर टू डू विद द स्पिरिचुअल एलिवेशन ओवर हियर, बिकॉज सो मेनी ग्रेट पीपल हैव सैट इन दिस रूम। गांधी जी, द फादर ऑफ द नेशन, ऑल माय एंसेस्टर्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल हु यूज्ड टू आल्सो कम एंड लिव हियर इन माय हाउस, सब यहाँ रुके हैं। दिस इज द ओरिजिनल सोफा व्हिच इज हियर फ्रॉम द लास्ट 90 years. Gandhi ji used to sit on this very sofa, and when he used to live at my house, and he used to sit here, talk about his philosophies, about his ideologies. So I believe in Gandhian philosophy mein bahut vishwas karta hun. Our culture is to give back to the society whatever we have. Our culture is to do service to the society. And at the end of the day, always thank the divine for his grace to give us the opportunity for doing so. For example, we are all pure vegetarians. जैसे मंदिर में हम कुछ चीज जो inappropriate है नहीं ले जाएंगे, वैसे यहाँ मांस मच्छी आना मना है। तो मैं खुद कभी, I have never tasted non-veg in my life, I'm pure vegetarian, I have never tasted or touched alcohol or any intoxicants. Not only because of Gandhian philosophy, I always have grown up with a very spiritual upbringing by my late grandmother, who's there, Gopi Kumari Birla. She was a person who influenced my thought process when I was growing up by telling me a lot of stories from the Puranas and the Vedas. So I grew up with a lot of ideologies of hers, where she always said that you must conduct a pure life, you must abstain from any intoxicants and kind of habits which are not good for what we believe is our ancestral and spiritual teaching. This is my late parents, Ashok Vardhan Birla, Sunanda Birla, and my sister, my late sister Sujata Birla. They all passed away in a plane crash in 1990, and what I have is only prayers for them, and that's why I have all the satsangs here so that they can hear the prayers, because I feel that their blessings, unka ashirwad hardam mere saath hai, मेरे को प्रेरणा देता है, और किसी तरह वो मेरे साथ हरदम मौजूद है। ये ना ही मेरा विश्वास है, मेरे को काफ़ी बार आभास हुआ है कि वो मेरे साथ है, उनका हाथ मेरे सर पर है। ये है आर डी बिरला, मिस्टर रामेश्वर दास जी बिरला। ही वॉज काइंड ऑफ द हेड ऑफ द बिरला फैमिली। तो पूरी बिरला फैमिली यहाँ इनके साथ आके रहती थी। ये घर में अलग अलग कमरों में अलग अलग बिरला फैमिली मेम्बर्स रहते थे, पर ये घर इन्होंने बनाया। ये इनकी वाइफ शारदा देवी बिरला है, तो ये भी इन्होंने ये घर बनाया। तो मैं हरदम कृतज्ञ हूँ इनका कि इन्होंने हमको ऐसी लाइफ दी, इन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, और जो भी हैं हम इनकी प्रेरणा के अनुसार है। ओके, सो दिस रूम एज यू सी, ऑफ कोर्स इट हैज बीन रेनोवेटेड एज वी यूज इट एक्टिवली एज अ लिविंग स्पेस, पर ये ही कमरा है जहाँ गांधी जी रहते थे और जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वर्गवास हुआ। इसी कमरे में उन्होंने जो आखिरी सांसें ली, और यहीं से उनका फ्यूनरल प्रोसेशन निकला बाणगंगा क्रेमेटोरियम के लिए। ये एक्चुअली आर डी बिरला जी का कमरा था, जो मेरे परदादा जी हैं,
और वो यहाँ रहते थे, पर जब गांधी जी आते थे तो वो दूसरे कमरे में सोते थे और गांधी जी को यहाँ सोने देते थे। पर अभी मैं ये कमरा को, जैसे मेरे घर पर मीटिंग्स होते हैं कहीं, ऑफिस की मीटिंग्स, ऑफिस नहीं जाना होता है, घर को किसी को बुलाना पड़ता है मीटिंग्स, तो मैं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, मैं यहाँ मीटिंग करता हूँ, यहाँ ऑफिस का काम कर लेता हूँ। मी एज अ पर्सन, एज यू कैन सी, आई एम अमैल्गमेशन ऑफ वेरी ट्रेडिशनल थॉट्स, वेरी स्पिरिचुअल व्यूज, बट एट द सेम टाइम आई एम अ वेरी कंटेम्प्रेरी आउटलुक। सो आई लव क्लोथ्स, आई लव फैशन, आई लव कंटेम्प्रेरी आर्ट। सो ऑफकोर्स ऑन दिस वॉल आई हैव सम कंटेम्प्रेरी आर्ट विच आई हैव परचेज, मॉडर्न आर्ट, जस्ट टू let's call it funky, which is my word for calling it modern and hip. And on the other wall, which is actually just the opposite, are black and white pictures of, again, all my ancestors, with some of the people I mentioned who have stayed here. So this is Pujya Gandhi ji with my great-grandfather R.D. Birla and his wife Srimati Sharda Birla. And this photograph has been taken at my home, at the entrance where you walked in from. There is Sardar Vallabhbhai Patel, there's Indira Gandhi. So this is basically the history of this house. And then there is a side to me which is my own. Wow. Welcome to the temple. This temple was also built by my great-grandfather with the house. एंड जैसे परंपरा उन दिनों थी कि हर रोज़ वो यहाँ आके भोजन के पहले प्रणाम करते थे, उनकी एक भजन संध्या होती थी। उन दिनों पंक्चुअलिटी बहुत थी, तो 7 या 7:15 बजे भोजन होता था और पूरा परिवार यहाँ बैठ के भोजन करता था। और पंक्चुअलिटी, वही टाइम रहना, सबका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था कि वो टाइम पर आना ही पड़ेगा। ये तो विष्णु भगवान है, मैंने यहाँ, ये नर्मदा जी से नर्मदेश्वर है शिवलिंग, तो जैसे शिवरात्रि पर या श्रावण महीना के सोमवार पर हम लोग यहाँ पूजा कर लेते हैं। कभी कभी जो सत्संग वहाँ हो रहा है आज, क्योंकि आज वर्षा है, यहाँ भी होता है, तो यहाँ पूरा भगवान जी के सामने, ईश्वर के सामने हम लोग भजन कीर्तन सत्संग करते हैं। बाहर के लोग भी आमंत्रण है, यहाँ बाहर से आ जाते हैं लोग, क्योंकि पूजा और सत्संग में सब लोग पार्टिसिपेट होना चाहिए। I'm going to take you now to one of my most favorite places of this house. Yeah. Of course, the whole house has got different areas which I love and adore in a different way. But this is something which is very part of my personality and it's my passion, the gym. Gym? Man. Lift. This is a gym on my terrace which I use nearly every day. 6 times a week maybe. The equipment here is not all new and not fancy. Some equipment is even 20 years old when I started weight training. So I've kept it because I have space, so I just keep adding new equipment, because every equipment gives you a different angle and a different kind of variation in your workout, which is very important. I basically started my workout when I was studying in the United States. I was doing my MBA there in a place called Chapel Hill in North Carolina. In the evening, it's more students' town, so everyone used to go to the local bar to have beer. But as I don't drink, I didn't know what to do. So I one day walked into this gym, just not knowing what to do. Let's check it out. Never worked out before that. Never really been there. The sight of that gym inspired me, and I said, okay, if I have nothing to do in the evenings, let me start coming to the gym. I'm still at it because I have never stopped working out from then, except if I'm not well or if I travel. Then I work out more before I travel, I work out more after I come back. I make up somehow. So this 4 or 5 times a week on an average is something which I've followed since decades. And the journey started in that first vision of this American gym, which inspired me. Weight training is what I prefer. I love weight training. I do some cardiovascular exercise sometimes, a little bit of walking or running on the treadmill. One of my first trainers was a gentleman called Kezar Kaparia, quite a famous bodybuilder. Unfortunately, he's no more now. This equipment and this, now this is almost 20 years old. But this today seems old. It doesn't even seem new. But I still use it because there is an angle in this which is not the angle in the new machines. This, I maybe just 3 years old, I got it from India only, from a local manufacturer. So it's nothing like you have to get fancy equipment or you have to spend a lot. It's just that I have been doing this for so many years, and whatever I've got, I just keep it here.
बट यू डोंट नीड सो मच इक्विपमेंट. यू कैन जस्ट डू बेसिक थिंग्स एंड यू कैन हैव अ फैबुलसली फिट बॉडी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई हाउस एंड अलाउइंग मी टू टेक यू अराउंड एंड शेयरिंग माई थॉट्स एंड माई बिलीव्स. एंड इट वॉज अ रियल प्लेजर मीटिंग ऑल ऑफ यूर. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. भाई बिरला ग्रुप की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है बचपन से जो है हम उनकी जो है एड्स जो है वो देखते रहे, लेकिन आज उनका पुश्तैनी घर जो है जिसे एंसेस्ट्रल होम जो है वो हमने उसे फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन काफी ज्यादा खूबसूरत है. तो मुझे जो है ना खुद इस तरह के आर्किटेक्चर बहुत पसंद आते हैं. मुझे तो एंट्रेंस से ही जैसे वो रास्ता जाता है मतलब घर तक, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. लाइक ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, एंट्रेंस बहुत अच्छी है. और भाई मैं सबसे पहले तो यश जी के बारे में बोलना चाहूँगी, बहुत ही हम्बल पर्सन है. जिस तरीके से वो घर में लेकर गए हैं, हर चीज़ के बारे में बताया और जो उन्होंने अभी थॉट्स शेयर किए हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपको अपनी रूट्स का, अपनी संस्कृति बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, बारे में पता होना चाहिए. और वो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ज़्यादा निखर के सामने आती है. बाकी जिस तरीके से उन्होंने पास्ट में, जिस तरीके से उनके मतलब ग्रैंड फादर ने उनके मतलब जो उनकी एक पार्टिसिपेशन रही, और जिस तरीके से गांधी जी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते उनके घर में, और इवन के सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी आखिरी रस्मात जो थी, रस्मात हाँ मतलब कि जो डेथ है वो भी वहाँ पर हुई, वो वाली जगह भी उन्होंने दिखाई. तो देखा जाए तो एक लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है यार. यार अगर देखा जाए तो जितना ऐतिहासिक घर है उतना ही ज्यादा आपको जो है वेल मेंटेन्ड जो है वो नजर आ रहा है. बेशक वो आप मंदिर वाले जो हिस्से की बात करें या आप घर में जो हिस्टोरिकल हिस्से हैं उनकी बात करें या जितना भी बाहर आप एंट्रेंस से लेकर जो है देखते हैं, सारा अच्छा खासा जो है मेंटेन जो है वो रखा हुआ. वैसे इतने बड़े घर को मेंटेन रखना भी भाई वो भी एक बहुत बड़ी जो है वो बात होती है, क्योंकि भाई हकीकत है भाई पैसे की बात होती है. बेशक पैसा जितना मर्जी हो, लेकिन जो है ना उस घर में रहने वाले लोग जो है ना अगर वो मेंटेन रखें तो फिर ही मेंटेन रहता है ना. ऑब्वियसली, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना एक बहुत अच्छी मुझे बात लगी कि देखो क्योंकि ये उनका एक पुश्तैनी घर है, सो ये उनके पास है. सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने देखा है कि बहुत सारी पुश्तैनी चीजें जो है ना वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाती हैं. गवर्नमेंट के अंडर अगर ना है तो पुश्तैनी घर जो है वो बिक जाते हैं, फिर ठेकेदार जो है वो खरीद के उसके दो दो मरले के जो है ना वो नए घर बना देते हैं. नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो जो कि अगर मतलब पार्टीशन के दौरान या पार्टीशन के दौरान जो ऐसे घर या ऐसी जगह थी, वो मुझे नहीं लगता कि वो अभी लोगों के पास हैं. यह जो बहुत कम जैसे हवेलियां हैं ना बड़ी बड़ी, उनको अगर आप देखें वो हाँ मेंटेन हैं, उन्हें जो है लोगों ने अपने पास रखा हुआ है या कुछ गवर्नमेंट के अंडर आती हैं. लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें ना जैसे अभी हम शालमी जाते हैं, बड़े बड़े घर नजर आते हैं आपको, उनकी अगर हालत आप देखें ना तो आपको देखकर जो है ना वो होता है कि यार इन लोगों ने इन्हें मेंटेन क्यों नहीं रखा हुआ. अच्छा मजे की बात ये है कि मैं मौजूद को हिंट पे हिंट दिए जा रही, पर मौजूद बिल्कुल भी समझने के मूड में नहीं है. लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं. मैं बाद में पूछूंगा. सो आगे बढ़ते हैं. और भाई नो डाउट मंदिर वाला मुझे जो एरिया वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और जिस तरीके से वो एक जगह मतलब मुझे ऐसे लग रहा था बिल्कुल मैं कोई घर नहीं देख रही, मैं कोई मूवी का सेट देख रही हूँ इस तरह से. और साइड पर आपको डाइनिंग टेबल नजर आ रहा है, और जो रूल बनाए गए वो मुझे बड़े अच्छे लगे. मतलब जो उनके परदादा जी के रूल से कि सुबह 7 बजे सबने टेबल पर आना है, और ये चीज़ें पहले हुआ करती थी, अब के टाइम में तो ये चीज़ें नहीं हैं. और फिर उसके बाद उससे पहले जैसे वो मतलब मंदिर में जाकर प्रेयर किया करते थे, तो मैं ये सोचती पहले लोगों की बहुत अच्छी आदतें हुआ करती थी, हमारी आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं. असल में टाइम के साथ साथ जैसे जैसे लोगों को सहूलतें मिलती हैं ना, तो उनकी आदतें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है. बहुत कम लोग होते हैं जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं और आगे जनरेशन में जो है वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होती है, वरना मोस्टली लोग हैं ना वो लाड़ प्यार के चक्कर में जो है ना बस जो है ना वो बिगड़ जाते हैं. लेकिन हाँ भाई मंदिर वाले हिस्से की बात करें तो वो बहुत खूबसूरत था, जो एक रूल सेट किए गए हुए थे वो बहुत अच्छे थे. और वाकई में हम अगर जो है हिस्ट्री की बात करें, हमारे बड़ों की अगर बात करें जो अभी भी हैं कुछ, वो अभी भी सुबह टाइम से उठ जाते हैं, लेकिन आगे जो जनरेशन है उनके टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं. हमारे बहुत जल्दी उठ जाते हैं. वही मैं कह रहा हूँ जो हैं बड़े अभी तक रात को लेट भी सोएंगे, लेकिन सुबह में उन्होंने जल्दी उठना है. अच्छा फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी लिफ्ट की.
मतलब जो लिफ्ट का वो मुझे लगा पहले कि हम किसी ऐसी जगह पर एंटर होने कोई रूम है, मुझे भी यही लगा था। वहाँ पर हमें काफी ज्यादा मतलब एक एंटीक चीजें में भी नजर आए, तरह की हम एक आप कह लेके आउटलाइन देखी ना उससे लगा था। लेकिन फिर जब हम जिम में चले गए तो जिम ऑब्वियसली जिन लोगों को जिम बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए तो बहुत अच्छी एक जगह है। बट हाँ, सबसे अच्छी चीज़ ये मुझे लगी कि जिम वाली की ये टॉप फ्लोर पे बनाया गया है कि सुबह सुबह आप अगर अर्ली मॉर्निंग भी जिम करते हो तो आपको एक अच्छा वेदर, एक अच्छी एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें मिलती है। बाकी ओवरऑल बहुत मजा आया वीडियो देखकर एंड आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। इसी के साथ।